तो ये अब आप लोग भागलपुर जिले में ही रहेंगे, हर साल सालों साल रहेंगे और उस विद्यालय में ही कई साल रहेंगे, तो बड़ा सम्मान करेंगे, गांव की जनता बड़ा प्यार करेगी आप, तो उसमें कोई दो राय। विद्यालय सबके गांव में ही है ना, किसी का शहर तो नहीं लग गया, कंप्यूटर को हमने मना कर दिया था, शहर नहीं है, ठीक है। और ये भी कह दिया है आप लोगों को कि गाँव में नहीं रह सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है आप, तो सब गांव में रहने को तैयार है ना, ये सब अप डाउन तो नहीं करेंगे ना। गांव जहां विद्यालय है उसके कुछ किलोमीटर की दूरी में घर ले लीजिए, एक दिन की बात नहीं, आपको यहां सालों साल है, ठीक है। ये आपका कौन सा जिला है जो भागलपुर, तो ये अब आप लोग भागलपुर जिले में ही रहेंगे, हर साल सालों साल रहेंगे और उस विद्यालय में ही कई साल रहेंगे, तो इसलिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप वहीं पे अपना आसरा जमा लें। आज मैं आ रहा था, शायद बांका ज़िले की बात थी, भागलपुर दो दो जिलों के मैंने स्कूल देखे, एक जगह तो प्रिंसिपल इतने उत्साह से आपका स्वागत कर रहे थे कि आपके बीपीएससी के जो चार टीचर ज्वाइन किए थे उन्होंने विद्यालय के बगल में ही घर उनको दिलवा दिया बात कर। तो आप चिंता ना करें, गाँव के लोग, मुखिया जी, विद्यालय के लोग आपका ठहरने का बंदोबस्त कर देंगे। गांव वाले तो बड़ा सम्मान करते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घर में टीचर खुद रहे, और इसकी आपके प्रोफेशन में आपको जानकारी पता नहीं है कि नहीं, बड़ा सम्मान मिलता है अगर आप बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे, उनके तो उनके अभिभावक आपका बड़ा सम्मान करेंगे, गाँव की जनता बड़ा प्यार करेगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रिंसिपल जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर तुरंत बंदोबस्त कर रहे हैं कि हाँ हम आपका रहने का बंदोबस्त कर देते हैं, आप बस आइए और क्लास लीजिए। तो ये देख लीजिएगा कि गांव में स्कूल में समय से पहुंच जाए आप, ठीक है, और पूरी लगन से पढ़ाएं, उस बच्चे को ध्यान दें जो मेन स्ट्रीम से बाहर जा रहा है। आप अपना ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए बिहार का, पाँचवीं के बाद थोड़ा गिरता है, फिर आठवीं के बाद गिरता है और दसवीं के बाद एकदम धड़ाम हो जाता है, वो रोकना है आपको दसवीं के बाद वाला, ठीक है। अगर आपने दसवीं वाला रोक दिया तो पाँचवीं आठवीं अपने आप रुक जाएंगे, तो ये देख लीजिएगा इस चीज़ को कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। टीचिंग को एक प्रोफेशन के अलावा आपने अपना एक, यूं कहिए कि एक पैशन भी समझ लेना है, पैशन जो समझते हैं कि आपका जोश जुनून, ये भी होना चाहिए, ठीक। मैं बस यही इतनी दूर से आपको कहने आया था ये दोनों बातें, कि मुझे बड़ा खुश अच्छा लग रहा है कि आप लोग मोटिवेटेड हैं, ट्रेंड हो गए हैं, और दूसरा ये कि आप गांव में ही रहें, विद्यालय के आसपास रहें, ठीक। ट्रेनिंग आपकी अच्छी रही, रहना खाना मुझे उम्मीद है आप लोगों का ठीक ठाक रहा होगा, रहना खाना की व्यवस्था ठीक थी, बहुत बढ़िया। एक बिल्डिंग खाली हो गई, डीएम साहब ने खाली और करा दी है, तो अब हम लोग और ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे, पहले यहाँ पुलिस बल रहा करता था तो वो भी खाली हो गया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। बाकी आपकी सैलरी हम लोग समय से देने की हमने बात कही थी, तो 7 दिसंबर से पहले हमने अपने लिए रखा, लोग तरह तरह के लोग बात करते हैं कि 1 लाख शिक्षक रख दिए हैं, सरकार के पास पैसा कहाँ है, ये सब सुनते होंगे आप, पता नहीं किसने उड़ाया है, आपको तनख्वाह टाइम से मिल जाएगी, ठीक है, और हर महीने मिलेगी। आप ये देखें कि आपने 10 दिन हो गए होंगे विद्यालय ज्वाइन किया, किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, उसकी तनख्वाह हम लोग 7 दिसंबर से पहले आपको दे देंगे, और दिसंबर की तनख्वाह तो 1 जनवरी को चली जाएगी, क्योंकि ये पहले दिन पहली बार ही, जिस तरह मुझे हमारी तनख्वाह मिलती है उसे उसी तरह आपको आपकी तनख्वाह मिलेगी। मैं आपको तनख्वाह समय से भेज दूंगा, आप स्कूल समय से पहुंच जाइए और जाके वहाँ गिरना नहीं है, गिरना समझते हैं कि अच्छा शिक्षा विभाग कह रहा है टाइम से पहुँचाना, तो टाइम से दौड़ते भागते पहुँचे और गिर गए स्कूल, वो नहीं होना, वहाँ पढ़ाना है, आपकी प्रेजेंस फील की जानी चाहिए बच्चों द्वारा, उनके पेरेंट्स द्वारा, और वो गांव जो है कम्युनिटी होता है, स्कूल से उनको बड़ा लगाव होता है। हमारा कोई स्कूल हमारा खरीदा हुआ नहीं, सब स्कूल जनता ने ही डोनेट किया है ज़मीन, कईयों ने मंदिर से हिस्सा काट के दिया है, कईयों ने अपने खेत से हिस्सा काट के दिया है, कईयों ने अपनी हवेलियों से हिस्सा काट के दिया है, आज की नहीं, ये 50-60 साल की बात है। तो ये ध्यान रखिए कि जाके गिर मत जाइएगा विद्यालय में,
कि सर आपने कहा था हम आ गए, आने के बाद पढ़ाना है। और क्या कितनी क्लास लेने का हमने रूल बनाया? छः क्लास जो रेगुलर है, कम से कम छः क्लास, छः से ज़्यादा ले लें बहुत बेहतर है। अगर बच्चा पढ़ने को तैयार है तो आपको पढ़ाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं देख के आया था बांका में, चूँकि चार बज गए थे, साढ़े चार बजे तो क्लास चल रही थी, मिशन दक्ष के बच्चे भी बैठे हुए थे और टीचर भी पढ़ा रहे थे, काफ़ी लोग तो आप ही के बीपीएससी से चयनित हुए थे और नियोजित भी शिक्षक बड़े मन से पढ़ा रहे थे। तो ये बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि सरकार की डायरेक्शंस को तुरंत इम्प्लीमेंट किया गया। आज 1 दिसंबर से मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने की मेन भूमिका यही थी कि अब 1 लाख टीचर हमारे इकोसिस्टम में आ गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज ही से क्लास शुरू हो गई है, 5-5 छोटे छोटे बच्चों को किनारे ले जाया जा रहा है। वो बच्चे भी बोलते हैं कि हमको पढ़ने में ऐसे अच्छा लगता है। एक क्लास में 60-70 बच्चों को हर मतलब टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते, तो उसमें जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो ना सवाल पूछते हैं बल्कि भयभीत रहते हैं, सहमे रहते हैं, क्लास की घंटी बताते हैं चले जाते हैं। लेकिन जब वही टीचर वही बच्चे अलग कमरे में बैठते हैं 5 बच्चे, तो उनका रिस्पॉन्स अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है, ठीक। तो इसी चीज़ को हमने आज खुद महसूस किया। तो लड़कियों ने, जो बच्चियाँ थी, उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ना, टीचर क्यों एक एक चीज़ समझा रही हैं आके हमारे टेबल पे, क्योंकि 5 ही बच्चे हैं तो टीचर एक एक बच्चे के यहाँ जाके समझा रहे हैं। तो ये आसान चीज़ नहीं है, सब्र का काम है। आप लोग आज भी टीचर रहेंगे, 30 साल बाद भी आप लोग टीचर रहेंगे, ठीक है। कई अगले 30 साल बाद जब आपका यहाँ शायद रिफ्रेशर कोर्स दोबारा होगा तो आप लोग आपस में मिलेंगे और ये बात करेंगे। हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे कि इस तरह से आपने ट्रेनिंग की, इस तरह से पढ़ाई की। ये जो 1 लाख टीचर अभी आप लोग आ गए और 1 लाख टीचर और दिसंबर के अंत तक आ जाएंगे, जैसा अगर बीपीएससी रिजल्ट निकाल देती है। दूसरे राउंड की जानकारी तो होगी, आप में से कई लोगों ने डाला होगा, अप्लाई किया होगा, ठीक, अच्छी बात। तो दूसरा राउंड भी आ जाएगा तो 1 लाख टीचर और आ जाएंगे। ये 2 लाख टीचर एक गेम चेंजर साबित हुए और शिक्षा में कोई भी चेंज तुरंत नहीं दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग रहेंगे और आप लोग महसूस करेंगे उस चीज़ को कि हमने पहले, आप लोग में से अधिकांश तो बिहार के ही हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे गांव का बिहेवियर चेंज होता है अगर शिक्षा ठीक से दे दी। आप लोग पीढ़ियां बनाते हैं और आप चाहें तो पीढ़ियां बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती, ठीक है। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है देख के कि आप लोग भी पूरे जोश में हैं। मैं इन्हीं यही दुआ करूँगा कि आप लोग इसी जोश को मेंटेन रखें। आप आज शिक्षक हैं, 30 साल बाद भी शिक्षक ही रहेंगे। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि साहब हम अरे जो आज डॉक्टर है 30 साल बाद भी डॉक्टर ही रहेंगे, ठीक। तो आपके दो प्रोफेशन, डॉक्टर का और शिक्षक का, ये अन्य प्रोफेशन से थोड़ा सा और बड़ी भगवान की नज़र से आप दोनों प्रोफेशन को देखा जाता है, ठीक है। बच्चे और अभिभावक आपको बड़ा सम्मान देंगे, अगर आप अच्छे टीचर साबित होंगे तो बहुत प्यार मिलेगा। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करूँगा कि वो आपको एड्रेस करें। थैंक यू।